हेलो वेलकम टू डॉरू तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे या नहीं सी देखते हैं आपके पर्सन का कॉल या टेक्स्ट मैसेज आपकी तरफ आएगा या नहीं ठीक है आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे आपके पार्टनर आपके लाइफ में कब वापस आएंगे वेट वेट वेटा बंगाल फिर मैं आ रही हूँ ठीक है चलें क्या आपके पर्सन यहाँ पर आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे वीडियो लाइक कर दिया करें सपोर्ट मिलती है मेरी सारी रीडिंग टैबलेट्स होती है जब भी आपके सामने आप सब डोनेट कर सकती मैं भी नहीं करती अगर आप लड़के हैं तो से से देखें और अगर आप लड़की हैं तो सभी तरीके से देखें क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको मैसेज कॉल टेक्स्ट करेंगे क्या आपके पर्सन का आपको टेक्स्ट कॉल मैसेज रिसीव होगा या नहीं लेट्स सी देखते हैं क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे टू ऑफ फोर ऑफ कप्स कंफ्यूज है ये पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड है क्लैरिटी इसके सामने है हर चीज़ इस पर्सन को समझ में आ रही है ठीक है लेकिन ये चीज़ों को खुद समझ नहीं रहा ठीक है जितना इसको समझना चाहिए अब तक इस सिचुएशन को ये पर्सन एक क्लैरिटी आपके पार्टनर के सामने है ठीक है फोर ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस भी हैं थोड़ा सा सैड हुआ हुआ है अपसेट है और कुछ किसी भी चीज़ को इतना एक्सेप्ट करने वाली पोजिशन में नहीं है ठीक है कन्फ्यूज है अपसेट है और कन्फ्यूजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है ये पर्सन लव करता है इस पर्सन के अंदर emotions हैं आपको ये पर्सन आपको चाहता है लेकिन डिसीजन मेकिंग uh, और मतलब कि खुद के अंदर कन्फ्यूजन है ठीक है अंदर ही अंदर फील करता है लेकिन खुद से एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि हाँ ये आपको लव करता है ठीक है ये यहाँ पर जब एक्सेप्ट कर लेगा उसको पता है कोई डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी इसको कुछ डिसाइड करना पड़ेगा ये अब तक यूं ही डिनाइल पे रहा क्योंकि इसको इसको पता था कि आप एक आप एक ऐसे पर्सन है स्टेबल स्टेबल नहीं यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन हर्ट है बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और कन्फ्यूजन से गुजारा है इस टाइम फ्रेम पर ठीक है पर्सन लेकिन इमोशनली होल्ड बैक करा हुआ है इमोशनली ये पर्सन आपके लिए बहुत से इमोशंस रखते हैं मैसेज और टेक्स्ट करना चाहता है हार्ट ब्रोकन है आपके बिना इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है ये पर्सन आपको याद कर रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है ये पर्सन किसी पेन से गुजर रहा है किसी पेन से सफ़र कर रहा है इमोशनली किसी पेन से सफ़र कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे ये आपकी तरफ आना चाहता है अगर इसने इस पास में कुछ ना कुछ आपके साथ किया है तो उसकी अपॉलोजी चाहता है उसकी माफ़ी चाहता है आपसे उस चीज़ का इसको पता है इसने क्या किया है ठीक है लेकिन किसी आ, किसी पेनफुल सीनारी से सफ़र कर रहा है इमोशनली पेन इस पर्सन के लाइफ में नज़र आ रहा है ठीक है अगर ये आपके लिए एक्सेप्ट भी कर लेता है इस टाइम फ्रेम पे पहले तो पास्ट में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहा है आपके लफ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था जिस तरीके से आप इस पर्सन को अप्रोच कर रहे थे उसको वो उसको किसी काउंट ही नहीं करता था उसकी कोई वैल्यू नहीं थी ठीक है जो आप इस पर्सन को प्रोवाइड कर रहे थे इस टाइम फ्रेम पे पर्सन आपके लिए इमोशंस भी फील कर रहा है और हर्ट भी है जिसने आपके लिए करा आपके साथ किया आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाहता है लेकिन बहुत ज़्यादा सोच रहा है ठीक है ओवर हो सकता है बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको लेकर सोचता है ये पर्सन आपके बारे में ठीक है क्या करना चाहिए इस रिश्ते में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए क्या मूवमेंट क्या क्लैरिटी देनी चाहिए किस तरीके से मैसेज करे किस तरीके से टेक्स्ट करे तो ख़ुद भी एक हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी पेनफुल एनर्जी है इमोशनल लॉस काफ़ी रिग्रेट है ठीक है इस पर्सन ने अगर यहाँ पर आपके ऑफर को पास में रिजेक्शन जो दी है जिसने आपके लव को एक्सेप्ट नहीं करा है कम्प्लीटली एक रिजेक्शन इधर नजर आ रही है जो आपको मिली है ठीक है क्योंकि इस पर्सन को आप आपके लिए कंफ्यूज था या क्लैरिटी नहीं थी या इस पर्सन को लग रहा था इसको बहुत कुछ आगे ऑप्शंस या तो बहुत कुछ इसको आगे मिल सकता है इस वाला ऐसा वाला सनारी रहा है ठीक है लेकिन एक हार्ट ब्रेकिंग हार्ट ब्रोकन एनर्जी है बहुत हर्टफुल एनर्जी है ठीक है पेन फील कर रहा है और थोड़ा सा जो है ना एक कंफ्यूज है इमोशनली इमोशनली एक सेटिसफाई नहीं है ठीक है रिग्रेट है किसी तरीके का रिग्रेट है इमोशनली सफर कर रहा है एक रिग्रेट में है ये पर्सन हीलिंग चाह रहा है इस सिचुएशन से ये पर्सन आपका कोई पास्ट हो सकता है बहुत ज्यादा टॉक्सिक रहा बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा आपके साथ किसी और को चाहे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं बनाता आया ही किसी को कमिटमेंट नहीं दिया किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रहा लेकिन आपके साथ इसने हैंग आउट करता रहा आपके साथ कोई ना कोई पर्सन ज़रूर रहा मतलब किसी टॉक्सिसिटी में किसी डार्क एनर्जी में बहुत ज्यादा जैसे नेगेटिव फ्रेंड्स होना नेगेटिव ड्रिंकिंग करना अदर अदर चीज़ें जो होती हैं इस पर्सन की लाइफ में टॉक्सिसिटी रही टॉक्सिसिटी डार्कनेस का ताल्लुक ऐसी ही चीज़ों से होता है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है ड्रिंक होता है या तो बहुत ज़्यादा एक अल्कोहलिक चीज़ें रही इस पर्सन की लाइफ में या तो इस ये इस पर्सन की गैदरिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी ठीक है जिन लोगों के साथ बैठता था बहुत ज़्यादा टॉक्सिसटी थी बहुत ज़्यादा डेवलिश एनर्जी एक टाइम पे इसमें जैसे बहुत एक जब आप इस पर्सन को मिले हैं ये पर्सन बहुत नेगेटिव लोगों के साथ इसका जैसे होना चीजों को अपने कंट्रोल में करना चीजों को अपने कंट्रोल से चलाना बहुत ज्यादा माइंड गेम्स खेलना इस गेम्स, इस इस पर्सन ने माइंड गेम्स ये रिलेशनशिप जो एंड हुआ है आपके पार्टनर के माइंड गेम्स की वजह से हुआ है स्ट्रॉन्गली आपके पर्सन यहाँ पर मानोपलेटिव एनर्जी में रहे हैं यहाँ पर बैलेंस नहीं था ये रिश्ता डिवाइन इंटरवेंशन से खत्म हुआ है डिवाइन की मर्जी से खत्म हुआ है यहाँ पर जो एंडिंग आई है ये डिवाइन ने इस रिलेशनशिप में यहाँ पर सिचुएशन आप लोग की आगे नहीं बढ़ रही थी बेहद स्ट्रक थी इस टॉक इस टॉक्सिकसिटी की वजह से ये अपनी मतलब कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही ना करना कि खुद टॉक्सिक है इसने सिचुएशन को इस रिश्ते को कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया तो जो सिचुएशन आप लोग तो की एंड हुई ना इसके टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से हुई नेगेटिविटी की वजह से हुई है यहाँ पे ये आपको कुछ दे नहीं रहा था रिश्ते में जिससे आप डील कर रहे हैं ये आपको कुछ नहीं दे रहा था सिर्फ और सिर्फ मैनुपलेट कर रहा था सिर्फ और सिर्फ मैनुपलेट कर रहा था और आप बार बार एक्शन लेते थे इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए आप बार बार इस रिश्ते की तरफ एक्शन ले रहे थे कि बैलेंस क्रिएट हो जाए जस्टिस आप यहां पर मैरिज या कमिटमेंट चाहते थे इस पर्सन से ठीक है लेकिन ये आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा था बहुत ज्यादा टॉक्सिक था बहुत ज़्यादा नेगेटिव था बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन रहा है बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलता रहा है ठीक है एक टॉक्सिसिटी है इसके अंदर जो इसकी एंडिंग यहाँ पर रिलेशनशिप में किसी इस टॉक्सिक इस रिलेशनशिप इसके टॉक्सिक बिहेवियर या इसके कंट्रोल करने की वजह से हुई है इसने आपको कंट्रोल करा अपनी नेगेटिविटी के लिए ठीक है Uh, बहुत ज़्यादा ये तर, मतलब कि एक पैशनेटिव रिलेशनशिप है एक बहुत ज़्यादा एक फिजिकल अट्रैक्शन वाला पर्सन रहा है ठीक है इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से चीज़ें आप लोग के रिलेशनशिप में एंड हुई हैं पहले तो ये आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था जब आप इसके मतलब कि कोई इंसान किसी को एक्सेप्ट करने के बावजूद इंसान उस इंसान की तरफ जाए तो वो सामने वाला इंसान क्या करता है उसको यूज़ करता है कंट्रोल करता है अपनी डार्क साइड को डार्क शेडो को शो करता है उसके साथ बैड बिहेवियर करता है जो उसको ट्रामा मिले हुए होते हैं जो उसको वूड्स मिले हुए होते हैं वो उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है ठीक है क्योंकि उसका बस किसी के ऊपर चल नहीं रहा होता जो उसके साथ किसी और ने किया होता है वो उसके साथ उस तरीके से बिहेव करने लग जाता है जैसे वो हकीर है वो फ़कीर है उसकी कोई वैल्यू और उसकी कोई वर्थ नहीं है तो इस पर्सन ने आपको बिल्कुल मतलब के सारे खंजर आपको ऐसा लगता है इसने आपको

और इमोशनल लॉस इमोशनली पर्सन स्ट्रेस में है किसी परेशानी में है इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ये इमोशनली स्ट्रेस फील करना इमोशनली नेगेटिव नेगेटिव फील करना और uh, मतलब कि एक है और चीज़ें डिफरेंट है हर मिट्ट आप बात नहीं कर रहे इस पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर रहे आपने अपना आपने आपका थोड़ा सा एक मतलब कि आप अपने जोन में जा चुके हैं आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे कम्युनिकेट नहीं कर रहे आपको एक विजडम मिला है या तो आपको किसी ने एडवाइस करा है या तो आपने किसी की एडवाइस सुनी या तो आपको खुद एक नॉलेज आपको आपने किसी से डिस्कस भी करा हो सकता है किसी की एडवाइस की वजह से आपने इसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया या तो आपको समझ में आ गया ये आपके ये आपको वो वैल्यू वो वर्ड नहीं दे सकता आपको ये बात क्लियर हो गई कि ये पर्सन आपका वो वैल्यू वो वर्थ वो वो जिंदगी नहीं दे सकता वो सब कुछ नहीं दे सकता आप जो इससे डिमांड कर रहे हैं वो आपको इससे मिल नहीं सकता आपने खुद को साइड कर लिया आप हरमिट बात नहीं कर रहे साइलेंट हो चुके हैं और हरमिट एनर्जी में ठीक है सेवन ऑफ कप्स आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं लेकिन कंफ्यूज जरूर है आपको करना क्या चाहिए आपकी लाइफ में ऑप्शंस ओपन कर रहे हो रहे हैं बहुत पीसफुल एनर्जी में है बहुत सोल सर्चिंग कर रहे हैं मी टाइम ले रहे हैं अपना अपने अपने आप से कनेक्टेड है अपने विशेष पे वर्क कर रहे हैं अपने विश विश पे फोकस हैं अपने पे काम करें आपकी विश है टू ऑफ कप्स आपकी विश है एक परफेक्ट पार्टनर पैसे से भी ज़्यादा किसी चीज से भी ज्यादा आपकी विश है आपकी यहाँ पर आपको वो नहीं मिल रहा था जो आपको चाहिए था टू ऑफ कप्स आपके आपको एक इक्वल गिव एंड टेक वाला लव चाहिए आपकी आपकी विश है आपका आपका पार्टनर ऐसा हो जो आपको बेहद प्यार करे जो आपके साथ बेहद कनेक्टेड रहे जैसे आप हैं वैसे वो आपके साथ ट्रीट करें ठीक है आप आप चाहते हैं आप अपनी एक एक विश फुलफिलमेंट वाला पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हैं ठीक है आप उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं ऐसी बात नहीं है बहुत कुछ कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी में डोर्स ओपन हो रहे हैं काम के हवाले से रिलेशनशिप्स के हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं ठीक है थेके? कोई पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है जो आपका टाइम भी चाह रहा है जो आपकी एनर्जी फील्ड में मुझे नजर आ रहा है जो लविंग uh, रिलेशनशिप में आपकी तरफ इंटरेस्ट ले रहा है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे आप रिश्ते को लेकर इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे कोई पर्सन है जो आपसे बात करना चाह रहा है कोई है जो आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है किसी की नजरें आपके ऊपर बनी हुई है ठीक है क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को मैसेज या टेक्स्ट करेंगे आपके पार्टनर के आपको मैसेज या टेक्स्ट करेंगे कि आप, आपको अपने पर्सन का मैसेज टेक्स्ट रिसीव होगा आपके पार्टनर मतलब मतलब कि यहाँ पर दूर से आपको देख रहे हैं और एडमायर कर रहे हैं बहुत ज्यादा आपको एडमायर कर रहे हैं आपकी वर्थ आपकी वैल्यू समझ रहे हैं दूर से देखने रहे हैं पर्सन कोल्ड हुआ हुआ डिटैच हुआ हुआ इस पर्सन की नजर आपके ऊपर है ये पर्सन आपको दूर से जरूर देख रहा है ठीक है ऑफ सिंगल है इंडिपेंडेंट एनर्जी पे वर्क कर रहा है अपने कैरियर को कैरियर का, ग्रोथ पे काम कर रहा है ये परसन ये पर्सन पर्सन इस इस टाइम फ्रेम पे डेथ एंड रिश्ते में एक चाहता है जो एंडिंग हो गई है उसको खत्म करके एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है ये पर्सन चाहता है दोबारा ये साइकिल स्टार्ट हो एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट रिलेशनशिप में दिखे ठीक है बिल्कुल ये पर्सन एक्सेप्ट करता है आपको अपने परफेक्ट पार्टनर एक लवर की तरह ठीक है एक सोलमेट की तरह दी एम्प्रेस और दी एम्प्रोर ये पर्सन आपका एम्प्रोर मतलब कहते हैं कंट्रोलिंग पर्सन है आपने खुद का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया आप इससे दूर जा चुके हैं आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया आप इसको दूर से कहीं कही ना कहीं से देखते जरूर है लेकिन आप इन्वेस्ट नहीं करते आप ठीक है हरमित की एनर्जी बता रही थी आपने खुद को साइड कर लिया है साइलेंट कर लिया है अपने विजडम पे काम कर रहे हैं कुछ क्रिएटिव वर्क पे काम कर रहे हैं अपनी आपकी विश है एक अच्छा कनेक्शन आपकी विश है एक रिस्पेक्टेबल कनेक्शन आपकी विश है एक लॉयल एक ऑनेस्ट पार्टनर ठीक है आप ऐसी विश करते हैं आपकी एनर्जी फील्ड में कोई पर्सन है लेकिन आप इस वक्त जो है ना रिलेशनशिप पे थोड़ा सा रिलेशनशिप से दूर भाग रहे हैं ठीक है थीके? कोई कोई आपका कोई आपको पर्सन स्टॉक और सर्च करता हुआ नजर आ रहा है कोई नया भी हो सकता है कोई पास भी हो सकता है लेकिन ये पर्सन रिग्रेट में किसी तरीके का रिग्रेट फील कर रहा है इमोशनली लॉस्ट है बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है आ, बार बार सोचता है कि इसने आपको इतना हर्ट करा आपसे पॉलिजी करनी चाहिए आपसे माफी ये जब आप इस पर्सन से कनेक्ट हुई आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था बेहद कन्फ्यूज था कोई डिसीजन मेकिंग नहीं था ये जैसे अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा था ये आपकी तरफ देख जरूर रहा था आपसे बात जरूर कर रहा था लेकिन आपको वो प्रोवाइड नहीं कर रहा था जो आप चाह रहे थे ठीक है आपको सेटिसफेक्शन नहीं मिली आपको इमोशनली हैप्पीनेस नहीं मिली आप दूर हैं इस वक्त इस पर्सन से ठीक है एक डिस्टेंस है आप अपनी अपनी अपने ऊपर काम कर रहे हैं ये पर्सन दूर से आपको जरूर देख रहा है लेकिन कोल्ड है सिंगल है डिपेंडेंट है

फैमिली में थोड़ा सा कुछ बिजी चल रहा है ये पर्सन फैमिली लाइफ में ठीक है ये एक्शन लेगा आपकी तरफ मैसेज आपको मैसेज रिसीव हो सकता है टैक्स रिसीव हो सकता है वर्कआउट आवर्स कहते होने उन्हें आपको टैक्स मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से क्योंकि ये आपके साथ बैलेंस करना चाहेगा ठीक है यहाँ पर एल्यूज आप ट्रस्ट नहीं कर रहे इस पर्सन के ऊपर ये ट्रस्ट ये पर्सन तो आ रहा है आपकी तरफ लेकिन आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे आपको ट्रस्ट नहीं है इस पर्सन के ऊपर ठीक है आप बहुत ज़्यादा वर्क पे बिजी नजर आ रहे हैं आप अगर ये पर्सन बात भी करेगा तो आप बहुत ज़्यादा आप इसके लिए जैसे हाँ इंटरेस्ट नहीं लेंगे आपको कम्युनिकेशन मिल सकती है लेकिन आप ट्रस्ट इशूज रहेंगे आपको ये पर्सन बैलेंस करके एक न्यू बिगनिंग करने करना चाह रहा है आपके साथ ठीक है यहाँ पर सन मून की एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है आपकी पर्सनैिटी मुझे ठीक है आप विजडम से काम लेते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी रिस्पेक्ट पर भी काम कर रहे हैं अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको वैल्यू और वर्ड देते हुए नजर आ रहे हैं बहुत हाँ स्ट्रॉन्ग पावर में दिख रहे हैं आप ठीक है इस टाइम फ्रेम पे अपने ये पर्सन क्लियर uh, हो चुका है और क्लैरिटी में ये पर्सन एक स्टेबिलिटी चाहता है इस पर्सन को पता है आप एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है स्लोली बट छोली लेकिन स्टेबल चाहता है ये पर्सन आपको छोड़कर गया था लेकिन आपकी लाइफ में ये वापस आ रहा है ठीक है ये आपकी तरफ वापस एक्शन ले रहा है कम्युनिकेट करना चाहता है बहुत पावरफुल पर्सन की तरह देखता है ये गया था आपको छोड़कर ठीक है साइकिल ये साइकिल दोबारा स्टार्ट करना चाहता है स्लोली बट छोड़ली पर्सन वापस आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है साइकिल को रीबर्थ देना चाह रहा है ये पर्सन ठीक है ये आपको छोड़कर गया था इमोशनली आपको गोस्ट करके इसने इग्नोर कर कर इमोशनली ये रोता हुआ आपको परेशान होता हुआ छोड़ के चला गया ठीक है लेकिन ये स्लोली बट छोड़ी इस रिश्ते में वापस आना चाहता है ये आपको एक पावरफुल एनर्जी में देख रहा है ठीक है आप एक पावर में है ये कम्युनिकेशन ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है आप जितना self, व, अपनी सेल्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने सेल्फ पे काम कर रहे हैं ना ये पर्सन उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है ठीक है एक न्यू बिगनिंग एक न्यू स्टार्ट ठीक है बिल्कुल ये आपके साथ एक न्यू ये आपको न्यू बिगनिंग आप यहाँ पर अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग और न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं इस पर्सन के लिए आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं ठीक है थेके? पास में आप स्टक थे लेकिन अब आप आगे बढ़ रहे हैं ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है आपके साथ मतलब कि कम्युनिकेशन में ये पर्सन इंटरेस्टेड है कम्युनिकेट इस पर्सन के माइंड में चल रहा है आपके साथ कम्युनिकेशन करनी चाहिए लेट्स सी देखते हैं यहाँ से क्या है क्या मेरे व्यूवर को इनके पर्सन का मैसेज या टेक्स्ट मिलेगा क्या आपके पार्टनर आपको टेक्स्ट मैसेज कॉल करेंगे एंजाइटी हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन स्ट्रैटडी बना रहा है हार्ट ब्रोकन यहाँ पे भी हार्ट ब्रोकन की एनर्जी आई थी स्टार्टिंग ही में बहुत एनजाइटी फील कर रहा है इस वक्त ठीक है एंगजाइटी में है मैसेज टेक्स्ट करना चाहता है बात करना चाहता है ठीक है इन डिसव एनर्जी है समझ नहीं आ रहा क्या कर बहुत एनजाइटी क्योंकि गलत खुद कर रहा है एनर्जी साइलेंट हुआ हुआ है मेडिटेशन की एनर्जी में मेडिटेट कर रहा है ठीक है खुद को यहाँ पर हार्ट ब्रोकन है हर्ट है हील होने की कोशिश कर रहा है कंप्लीटली यहाँ पर स्ट्रेटडी बना रहा है कोई ना कोई ठीक है थिंकिंग मैन थिंकिंग वूमेन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है ठीक है ये एक बैलेंस लेकर आना चाहता है येंग और यंग ये इसकी मैस्क और फैमिलाइन एनर्जी बैलेंस हो रही ठीक है एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है रिलेशनशिप में इस पर्सन को लग रहा है एक बैलेंस ज़रूरी है इस रिश्ते में आपको मैसेज और टेक्स्ट मिल सकता है लेकिन इसको रास्ता समझ में नहीं आ रहा आपको किस तरीके से अप्रोच करें ठीक है थेके? इसको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए ये बात आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे लेट्स सी देखते हैं यहाँ से क्या आएगा क्या, ये पर्सन मेरे व्यवस्थर को टेक्स्ट मैसेज कॉल करेगा बहुत इंडिसाइज ऑफ एनर्जी में किस तरीके से आपके साथ कनेक्ट हो बस एंड यूनिट यहाँ पर मेडिटेशन की एनर्जी चल रही है पर्सन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है येंगे और येंगे अब ये बैलेंस करना चाहता है इसकी बहुत ज्यादा मैस्कलाइन एनर्जी थी इसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और आर्ग्यूमेंट करने वाली एनर्जी बिला वजह एक ब्लेमिंग गेम खेलने वाली एनर्जी इस पर्सन ने लास्ट में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम्स खेले हैं ठीक है हारमनी और एनर्जी अपनी एनर्जी में हारमनी बना के रखें ठीक है अपने आप को बैलेंस में रखें अपने आप को आप खुश रखें आपको ये पर्सन क्या कर रहा है सो उसको देखने की जरूरत नहीं टीचिंग ठीक है आप यहाँ पर अपनी किसी क्रिएटिव एनर्जी पे वर्क करें आपने बहुत कुछ लर्न करा है तो उस लेसन को याद रखें एंगर आपके पार्टनर को एंगर इशू है मैंने कहा ना आपके पर्सन ने यहाँ पर ईगो में भी आके और एंगर इशू में आके चीज़ें खराब करी हैं आपके पर्सन यहाँ पर आप कुछ न्यू बिगनिंग चाहते हैं असेंशन ठीक है इस पर्सन को पता है यहाँ पर इस पर्सन ने यहाँ पर जैसे बुनियाद पर ही काम नहीं कर रहा था जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा था आपके पर्सन उस वक्त इस रिलेशनशिप पर वर्क नहीं करा तो चीजें इसलिए यहाँ पर खराब हुई है क्योंकि ये जो इस रूट्स थी ना ये रूट से ही कच्चा रहा है ये रिलेशनशिप आपके पर्सन बेहद हार्ट ब्रोकन एनर्जी फील कर रहे हैं आपके पर्सन का यहाँ पर थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है ठीक है टेम्पल पाथ स्परिचुल हो रहा है स्परिचुअल चीज़ों को समझ रहा है स्परिचुअलिटी की तरफ है इस वक्त बहुत ज़्यादा स्परिचुल चीज़ों की तरफ ये भाग रहा होगा स्परिचुल चीज़ों को समझ रहा होगा बहुत ज़्यादा एक स्परिचुअल मतलब कि स्परिचुअलिटी की तरफ इस पर्सन का बेहद इंटरेस्ट बढ़ रहा है लेकिन कुछ कहना चाहता है हार्ट ब्रोकन है कह नहीं पा रहा अब चाहता है माफी चाहता है लेकिन ए, इस पर्सन को जैसे पता है इसने गलत किया है उसको इस, इस गलती को सुधारना चाहिए ठीक है बैसे वीडियो पर रखूंगी डीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलना और इसमें आपको फॉलो करें यहाँ पर एक बैलेंस आने वाला है ठीक है आपको यहाँ पर जो चाहते हैं वो मिलने वाला है ठीक है थैंक यू